अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि स्पाइडर कैमरा क्रिकेट में एक बहुत अहम रोल निभाता है, चाहे क्रिकेट पिच की फ़ोटोज़ हो या फिर हमें खिलाड़ियों की नज़दीक की फ़ोटो की ज़रूरत हो तो वो स्पाइडर कैमरा ही लेता है। बीच बीच में हमें स्पाइडर कैमरा भी देखने को मिलता है जब हम टीवी पर मैच देखते हैं तो, और उसकी फ़ोटोज़ भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो क्रिकेट की दुनिया में आजकल इस कैमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें जो फुटेज जो स्टेडियम से बाहर से दिखाई जाती हैं, यानी कि ग्राउंड के बाहर से ली जाती है, उनसे हमें उतना साफ नहीं दिखता जो हम पिच के ऊपर की फ़ोटोज़ ले पाते स्पाइडर कैमरा से। तो कई बार क्या होता है कि स्पाइडर कैमरा खिलाड़ियों के नज़दीक आ जाता है, जिससे दिक्कत होती है। यही हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी ODI मुकाबले में, जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे उस वक्त एक कैमरा उनके सामने पड़ रहा था तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने गाली गलौज भी कर दी थी। लेकिन यह गाली सिर्फ कैमरा को थी, किसी खिलाड़ी या एम्पायर को नहीं थी। तो कई बार होता है, और एक इसमें नियम भी होता है कि अगर ये कैमरे में अगर बॉल लग जाती है तो उस बॉल को डेथ करार दिया जाता है, यानी कि वो बॉल फिर से की जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो।